विल एक ऐसा लड़का है जो मैजिक स्कूल में तो पढ़ता है पर उसे मैजिक नहीं आती। अब क्योंकि वह जादू में जीरो है इसलिए वह दुश्मनों का सामना अपने बल और तलवार से ही करता है। स्कूल के प्रोफेसर हो या क्लासमेट सभी उसके इस तरह से जादू में कमजोर होने के कारण उसे काफी ज्यादा ताना मारते थे और काफी बुरा व्यवहार भी करते थे। वैसे तो विल को इसकी आदत हो चुकी है पर सियोन जो कि एक ऊंचे घराने का लड़का है उसे विल से कुछ ज्यादा ही नफरत है। तभी तो क्लासरूम हो या क्लासरूम के बाहर हर जगह वो उसे काफी बुरी तरह से पेश आता है। हालांकि कुछ बच्चे हैं जो कि विल के लिए खड़े होते हैं। कोलेट उनमें से एक है। वो विल का बचाव करते हुए सियोन से भिड़ जाती है। सियोन पूछता है कि आखिर वो उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही है। वैसे भी वो भी एक अच्छे और ऊंचे कुल की स्टूडेंट है जबकि विल एक कमजोर और स्कूल से कभी भी निकाल दिया जाने वाला स्टूडेंट है। इस पर कोलेट कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जादू में कैसा है पर वह एक अच्छा और मेहनती स्टूडेंट है और यही उसके लिए बड़ी बात है। इसे सुन सियोन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है पर फिर वो टेढ़ी हंसी देते हुए विल से कहता है कि चाहे वह कितना भी दयालु या मेहनती क्यों ना हो पर उसे जादू नहीं आती और बिना जादू के वो कभी भी माग्या वेंडर नहीं बन पाएगा। यह कहते हुए सियोन वहाँ से चला जाता है। विल को बुरा ना लगे इसके लिए वह उसे उन सब बातों को इग्नोर करने को कहती है पर विल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे इन सब की आदत हो चुकी है। वह तो खुद को काफी ज्यादा भाग्यशाली समझता है कि कॉलेट जैसी सुंदर लड़की उसके साथ है। इसे सुन कॉलेट काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वह एक नोबेल घराने की लड़की है और खुद को आसानी से प्यार में पड़ने नहीं दे सकती। खुद को शांत करते हुए वो विल की तरफ देखती है लेकिन विल तो आसमान की ओर देखने में व्यस्त है। बहुत समय पहले इस दुनिया के लोग उन पर शासन करने वाले सेलेस्टियल होस्ट के डर से हमेशा अंधेरे में रहते थे। हालांकि यह सब तब बदल गया जब एक शैडो विजेट के ग्रुप ने इनका विरोध किया और इस दुनिया में प्रकाश लाने की व्यवस्था की। इन विजेट्स को माग्या वेंडर्स कहा जाता है। उन्हें जादू के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। यह एक पद है जहाँ पहुँचने का सपना हर स्टूडेंट के मन में है। आसमान में देखते हुए कॉलेट कहती है कि क्या आइस मैडन एल्विस भी ना अभी भी हमें देख रही होगी। इस पर विल यकीन के साथ कहता है कि हाँ वह देख रही है। फिर हमें विल के बचपन का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ वो अपने बचपन की दोस्त जिसका नाम अल्फेरिया है उसके साथ खेल रहा था। वह उसे सन और मून के बारे में सब कुछ बताती है जो कि उसने किताबों में पढ़ा था। वह विशेष रूप से सनसेट देखने में उत्सुक थी इसीलिए वे दोनों वादा करते हैं कि वे दोनों माग्या वेंडर बनकर साथ में सनसेट को देखेंगे। भले ही यह वादा दो बच्चों का था लेकिन अल्फेरिया के हार्ड वर्क और टैलेंट की वजह से वो वास्तव में एक माग्या वेंडर बन गई। लेकिन इसके उलट विल के पास जादू का कोई टैलेंट नहीं था लेकिन फिर भी अपने हार्ड वर्क के दम पर वो भी अल्फेरिया के पास जाने की कोशिश में लगा है, एक माग्या वेंडर बनने में लगा है। इसके लिए उसे क्रेडिट चाहिए और इस क्रेडिट को जमा करने के लिए वो बार बार डंजन जाता है और बिना मैजिक के ही अपने स्ट्रेंथ और विल पावर से डंजन के मॉन्स्टर को खत्म करता है और पॉइंट्स हासिल करता है। लेकिन इसके लिए प्रोफेसर वॉकनर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा भी करते हैं। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर डंजन में जाता है और तो और सातवीं मंजिल तक पहुँच चुका है। उन्हें डर है कि कहीं क्रेडिट पाने के चक्कर में वो अपने जान से ही हाथ न गवा दे। विल अपने इस हरकत के लिए उनसे माफी मांगता है लेकिन वह उनसे यह भी पूछता है कि क्या उसे इसके लिए कुछ पॉइंट्स मिले। अब क्योंकि उसके पास मॉन्स्टर को मारने का प्रूफ था और उसने इवल गार्ड को मारा था इसलिए उसे एक्स्ट्रा क्रेडिट में 2 पॉइंट मिल ही गए थे। इसे सुनकर विल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वॉकनर उसे पूछता है कि क्या वह अब भी माग्या वेंडर बनना चाहता है क्योंकि इसके लिए उसे पहले हायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा और इसके लिए उसे टोटल 7200 क्रेडिट की जरूरत होगी। नॉर्मली बच्चों को ये क्रेडिट राइटिंग प्रैक्टिस और स्पेल वर्क में मिलते हैं लेकिन क्योंकि विल मैजिक का उपयोग नहीं कर सकता इसलिए उसे स्पेल वर्क से तो क्रेडिट मिलने से रहे। विल को यह चीज पता है इसलिए वह प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा वर्क करके क्रेडिट जमा करने में लगा हुआ है। भले ही उसकी संभावना कम है पर फिर भी वह हार नहीं मानना चाहता। उसे अल्फेरिया के साथ किए हुए अपने वादों को पूरा करना है। वॉकनर आगे कहता है कि उसने पिछले स्पेल टेस्ट में कोई भी अंक हासिल नहीं किए थे। अगर उसको खुद को इस रेस में जारी रखना है तो उसे सप्ताह के अंत तक 4 एक्स्ट्रा क्रेडिट हासिल करने होंगे। इसे सुन विल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अब उसके पास केवल 2 दिन ही बचे थे। इसीलिए अब जबकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो वह बुक से किसी 4 क्रेडिट वाले मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है ताकि वो उसे मार सके। उसके इस छटपटाहट को देख वॉकनर उसे डंजन के 6th फ्लोर के एक मॉन्स्टर के बारे में बताता है। अगर उसने उसे मार दिया तो उस
उसे उसके रिक्वेस्ट क्रेडिट मिल जाएंगे। इस पर विल इस मदद के लिए खुशी से उसके गले लग जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश सियोन इसे बाहर से सुन लेता है और विल से पहले डंजन में जाकर उस मॉन्स्टर को खत्म करने का डिसीजन लेता है ताकि विल को पॉइंट्स ना मिल सके। इधर विल बड़े ही खुशी के साथ डंजन में प्रवेश करता है। वो अपने फुल कॉन्फिडेंस में है क्योंकि इससे पहले भी उसने वैसे बास्करविल मॉन्स्टर को हराया जो था, लेकिन उस बास्करविल को ढूंढने के लिए उसे अपने दोस्त कीकी की मदद चाहिए ताकि वो सुनकर उसका पता लगा सके। इधर सियोन और उसके दोस्त भी बास्करविल को ढूंढ रहे हैं। उनका प्लान है कि पहले वो उस बास्करविल को ढूंढ कर खत्म करेंगे, फिर विल की पिटाई करेंगे। सियोन विल से कुछ ज्यादा ही नफरत करता है। उसका मानना है कि जो इंसान बिल्कुल भी जादू नहीं कर सकता उसे मैगिया वेंडर बनने का सोचना भी नहीं चाहिए। जब वे डंजन के कुछ ज्यादा ही अंदर चले जाते हैं तभी अचानक पीछे से एक मॉन्स्टर उसके दोस्त पर हमला कर देता है। इसकी आवाज विल को भी सुनाई देती है और वह तुरंत उस तरफ जाने लगता है। जब विल वहां पहुंचता है तो देखता है कि सियोन घबराते हुए उस मॉन्स्टर पर अपने फायर मैजिक से हमला कर रहा था, लेकिन उस मॉन्स्टर पर उसके किसी भी हमले का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो मॉन्स्टर एक इवल सेंटिनल था और जितना विल को पता है वो यह है कि यह 10 पॉइंट के बराबर है। विल ने पहले कभी भी इस राक्षस का सामना नहीं किया था क्योंकि ये राक्षस डंजन के काफी अंदर रहते हैं, उसके यहाँ आने का कोई मतलब नहीं था। खैर, सियोन के सारे अटैक विफल होने पर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और लड़खड़ाकर गिर जाता है। पहले तो विल इस झमेले में नहीं पड़ने की सोचता है, आखिर वो उस लड़की की मदद क्यों करे जो उसे हमेशा सबके सामने ह्यूमिलेट करता है। पर तभी उसे अल्फेरिया की याद आती है जो कि उसके दयालुता और साहस की सराहना करती रहती थी, इसी कारण उसने उसे एक गॉगल भी गिफ्ट किया था जो कि अभी भी विल के पास है। फिर विल बिना किसी आपसी रंजिश के गॉगल पहनकर सियोन को बचाने चला जाता है। उसी दौरान विल को हेड करने वाले प्रोफेसर एडवर्ड सियोन और ग्रुप के डंजन में जाने की खबर प्रोफेसर वॉकनर को बताते हैं जो कि काफी घबराया हुआ है। वॉकनर पूछता है कि वो किस मंजिल पर गया है। एडवर्ड के छठी मंजिल कहने पर वॉकनर शांत हो जाते हैं क्योंकि विल उनके साथ है और उसे पता है कि जब तक विल वहां है सियोन को कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली क्योंकि विल वहाँ के किसी भी मॉन्स्टर को आसानी से हरा सकता है। फिर वह अपने क्रिस्टल बॉल का उपयोग कर एडवर्ड को वहाँ का हाल दिखाता है जहाँ विल उस सेंटिनल को बुरी तरह से पछाड़ रहा है। वह एक एक करके उसके शरीर के अंग को काट रहा था। सेंटिनल का कोई भी वार विल पर प्रभावी नहीं हो रहा था। विल अपने सुपर हीरो स्ट्रेंथ और स्पीड के जरिए सेंटिनल को चकमा देकर उसके कंधे पर अपना वार करता है। सियोन यह सब देख चौंक जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि विल इतना स्ट्रांग है, यहाँ तक कि प्रोफेसर एडवर्ड भी इसे देख चौंक जाते हैं। फिर प्रोफेसर वॉकनर उसे बताता है कि भले ही विल के पास जादू करने की एबिलिटी नहीं है पर उसके पास सुपर हीरो स्ट्रेंथ है जो कि एक जादूगर कभी हासिल करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। उसका ऑब्जर्वेशन स्किल अविश्वसनीय रूप से सटीक है जिससे कि वह दुश्मनों की रणनीति को आसानी से समझ लेता है। इसी के मुताबिक उधर जब सेंटिनल उस पर हमला करता है तो वह आसानी से उसके हमले को जज कर लेता है और उसे डॉज करते हुए सेंटिनल के हाथ को काट देता है। भले ही विल मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन वो अपनी तलवार से इससे भी कई बड़े काम कर सकता है। सेंटिनल दर्द से कराने लगता है और गुस्से में आकर अपना सबसे पावरफुल प्लाज्मा ब्लास्ट करने लगता है, लेकिन विल अपने तलवार से उसके अटैक को रोकते हुए एक जबरदस्त स्विंग के साथ उसे बीच में से ही काट देता है और सेंटिनल का काम तमाम कर देता है। यह सब खत्म होने पर विल सियोन के पास जाता है और उसकी खैरियत पूछता है, लेकिन सियोन के मन में विल के प्रति अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। ऊपर से उसने उसकी जान भी बचाई। वह दांत मीच कर अपना गुस्सा प्रकट करने लगता है। इधर विल का ऐसा कारनामा एडवर्ड को भी हजम नहीं होता। वह भी गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन वॉकनर को विल पर गर्व है पर वह अभी भी उससे गुस्सा है क्योंकि उसने फिर से अपने आप को खतरे में जो डाला था। वैसे उसे सेंटिनल को मारने के लिए 10 पॉइंट मिल ही जाते हैं जिसे पाकर विल की खुशी की कोई सीमा नहीं होती। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।